악몽에서 깬 남자. 그의 이름은 나렌. 엄마, 빨리 가로 late 오라 यार. Come on, Miss Kiki. 너지 late 오라. 엄마. 평소 옆집에 사는 두수자에게 호감이 있었던 그는 그녀의 모습을 보며 환한 미소를 보이는데요. 한편 카페에서 일하는 두수자. 때마침 나렌이 방문하고. Good morning, teacher. 이때. 식당에 들어서는 한 남자를 보게 되며 그녀는 소스라치게 놀란 모습을 보이게 되죠. 결국 아지토와 만남을 갖게 되는데 그에게서 타라의 이야기를 듣게 되자 두려운 마음에 서둘러 자리를 나와 딸과 함께 집으로 향하지만 아지트가 방문하고 별다른 방도가 없었던 그녀는 마지못해 그를 집으로 들이게 됩니다. 예상치 못한 딸의 연급에 불안감을 느끼며 자신이 가지고 있는 모든 돈을 건네지만 과거 클럽에서 일했던 두수자. 이때 이 과정에서 몸싸움이 벌어지며 결국 그 둘은 끔찍한 짓을 저지르게 되죠. 고심에 빠진 여자 결심한 듯 서둘러 사체를 처리하기 시작하는데 이어 시신을 옮기는 과정에서 끔찍한 현실을 맞닥뜨리자 좌절하는 이때 이미 알고 있었다는 듯 담담하게 사고 현장을 마주한 나렌. 결국 두수자의 사연을 듣게 된 그는 두 모녀를 위해 사건을 은폐하기로 결심하게 됩니다. 한편 부패 경찰 아지트 행적을 쫓아 이곳 칼림폰까지 오게 된 카난. 그는 아지트의 마지막 전화 신호가 잡힌 곳을 방문하며 주위 탐문 수사를 벌이게 되죠. 예상보다 빠른 형사의 방문에 긴장을 하게 되고 이 사실을 몰랐던 나렌은 가게를 방문하는데 Good morning, teacher. 나루? Bro, what are the chances? 다행히도 아무 일 없이 무사히 위기에서 벗어나지만 불안감을 느낀 두수자. 이 시간 카나는 아지트가 묵었던 호텔의 정보를 알게 되자 서둘러 그곳으로 향하게 되죠. 관리자에게서 타란의 학교에 대해 이야기를 듣게 되는데 이때 두수자와 그녀의 딸을 보게 되고 의심이 싹 트며 그들을 미행하기 시작하지만 경찰의 수사망이 모녀에게 향하는 것을 본 나렌. 자드가 잔디 아지트 아베비 산다 버리가 비네밀리. 그렇지만 야게 머네스게 망쳐밀라. 카나는 신분 확인이 불가능할 정도로 불타한 시신 한 구를 보게 되죠. 이 훈구 DNA 테스팅에 필요죠. 내가 컴페어 किससे करेंगे. 다시 호텔을 찾은 카난. 다행히도 투숙객의 머리카락을 확보하게 되고 किसी भारी चीज से चेहरे पे बार-बार मारा गया है. 어, DNA 테스트 कुछ मिला? Matches 100% with blood. 10 तारीख को शाम के 7 बजे के आसपास. 사체의 신원이 밝혀지자 수사는 근무자를 타게 되며 또다시 두수자를 찾게 되는데
आप इन्हें पहचानती हैं? मेरे हस्बैंड हैं। उस दिन तो आपने कहा था कि आप जानती नहीं है ना। या तो इसकी परछाई मुझ पे या मेरी बेटी पे पड़े। एक डेड बॉडी मिली है। डेड? 결국 경찰서로 동행하기로 한 그녀는 마치 그를 유혹하듯 눈앞에서 불필요한 노출을 감행하게 되죠. 아지트와의 관계를 묻는 카난. 아비예요. 또 जब आप पैराडाइज में तब आप अजीत से मिली। छुपाने वाली क्या बात है इसमें? उसके बाद उसी ने मुझे पैराडाइज को बेच दिया। कि 10 तारीख की शाम आप कहां पर थी? 10 तारीख की रात तारा और मैं फिल्म देखने गए थे। 5:30 पौने 6 के आसपास। नहीं, फिर हम खाना खाने बाहर गए। नहीं, फिर हम किंग्स कैरियोके की बार गए। फिर आप घर पहुंचे 11 बजे के आसपास। कुछ तो गड़बड़ है इस कहानी में। अगले दिन बच्ची का स्कूल है, 11 बजे तो कौन बाहर रहता है? विषम में कनेल दोची अनन इत्ते नारू उयोनी नारेनल भोगे देगो। यहां कैसे? यहां रहता हूं। खुद यहां कैसे? वो लेडी थी ना सुबह कैफे में, जाते रहता हूं उसके कैफे अक्सर। बहुत कम जाना होता है कभी-कभी। वैसे पड़ोसी है मेरी, पर ज्यादा बात नहीं होती। नहीं देखा इसको कहीं? ना। 점점 좁혀오는 수사망에 다시 두 수자를 찾게 되죠. 오늘 버리 मिल गई। फिल्म की टिकट दिखाई? नहीं। कपड़ों के किसी पॉकेट में रख दीजिए, जैसे कि भूल गई। 고마움을 표현하는 그녀의 행동에 나레는 미소를 보이며 그렇게 각자의 집으로 향하는데요. 네? 돈에 कुछ गलत नहीं किया। पुलिस को बॉडी मिल गई है। टीचर ने कहा कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। 뚫린 벽 사이로 모녀의 대화를 엿듣고 있었던 남자. 다음 날. अभी तक हमने इसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर थोड़ा सा टाइम और चाहिए बस। सबूत है ना हमारे पास? लेकिन उसके खिलाफ नहीं, उसकी तरफ है। और क्या चाहिए तुम्हें? सबूत पैंट पॉकेट से मिला। यार फिल्म का टिकट कौन संभाल के रखता है? अगर कोई ड्रॉअर के अंदर होता तो मुझे भी शक होता। 심증은 있지만 물증이 없자 갈등하게 되고 문득 떠오르는 그녀 모습에 혼란함을 느끼지만 이내 마음을 다잡으며 다시금 그녀의 행적을 돌이켜 보게 되죠. 사실 뭐 이하 버게 ह्यूमन बॉडी को जलाने में कम से कम एक घंटा। पूरी तरह जलने से पहले उसको निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि टाइम पे पहुंचना पड़ेगा सिनेमा हॉल। पर अगर वो साबित कर सकती है कि वो सिनेमा हॉल में थी, देन वी डोंट हैव अ केस। पुलिस फिल्म के टिकट ले गए। ये तो होना ही था। मुझे तुझसे तारा से कुछ पूछा? हाँ। आप इसको पहचानती हैं? नहीं कि मैंने देखी है नहीं। उसके बाद मैं और मामा पेट्स 2 देखने गए थे। और कुछ? इतना ही पूछा। 뒷이야기를 무심코 넘기는 타라. Just one more thing. 아프네 스팸 के बारे में किसी से बात की? हां, my best friend Maria. 그날 밤 카나는 답답한 마음에 나렌을 찾게 되는데. 어때니? 에이, 사발게. 파나 코스트 파르게. 이게 क्या है? और मुझे कितने साल लगेंगे इनको सॉल्व करने में? मतलब इसको सॉल्व करने में 15 साल लगेंगे? वैसे तुमने काफी अच्छा मेंटेन किया है अपने आप। हम दोनों एक ही एज के हैं, पर तुम बाल भी कितने ज्यादा हैं। नहीं, हॉट पड़ोसन है और फिर भी खुद के साथ खेलता है। और इस हॉट पड़ोसी के लिए मुझे तेरी मदद चाहिए। तुम नजर रखेगा उस पे? कदुंगाने 노력이 통했던 것일까? 다음 날. So stupid. ताने पेज 2 देखी, पेज 1 देखी बिना। बस हमें ये दिखाना था कि 10 तारीख को कहीं और थी। आपका बच्चे अनन क्वागो 진술을 확인하게 되고 심지어 ये निशान जो गले पे मिला है, हीटर वायर जैसा। 피해자의 사망 원인을 알게 되자 한 가지 꾀를 내어 또다시 두 수자와 만남을 갖게 됩니다. 그날 밤. 어이 나루. 마스크 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था क्या? यहां कैसे उसे मिलना है? ऑड सस्पेक्ट है ना, उससे कुछ पूछताछ कर रहा है। मिसेस डिसूजा मुझे जबरदस्ती कोई कैरियर के बाहर दिखाने ले जा रही है। 당황한 나레. प्यारा प्यारा कालीपुंग वासियों, टाइम टू सिंग एंड टाइम फॉर अ सॉन्ग। 난닉은 클럽 음악을 듣게 되고 과거 회상에 잠기는데. 건사가네? 내가 कैसे भूल सकती? इनको मालूम है? Please. Please. Everybody, she's here. 결국 원치 않는 무대에 서게 되며 아름다운 그녀의 모습에 함께하는 이때. 환영처럼 나렌의 모습을 보게 되고 순간 당황을 하게 되죠. मुझे तो याद भी नहीं पहले कब इतना मजा आया। लास्ट वीक ही तो गई थी यार। वो तो तारा के लिए था। 그렇게 그 둘은 헤어지며 점점 더 그녀의 진술은 신빙성을 잃게 되는데. 아, 순간. 밀게? 설상가상으로. 엄마 폴리스 아이 돼. 콜리더 लेके गए. वही जिससे. 아. 뒤늦게 모든 것이 카난의 계획이었음을 알게 되지만 이 콜리더 매치 안 했다.
확신했던 범행 도구가 아님이 밝혀지게 되자 카나는 관할 지역으로 복귀를 결심하며 마지막으로 그녀를 찾게 되죠. 내 뭔가에 와보지 않아. Customers. Sure. 아, 맞대로. 이거 밖에 내게요. 1분에 리젤코 줄게. 그것도 여기 자다 왔다 비니. 무슨 아다. 순간 무엇인가를 깨달은 듯 서둘러 자리를 나서게 되고. 벌써 또 분에 내 앞과 참 인데일 게. 말비 기다려 야다. 나린데 10달에 주지리 야다. 뒤늦게 유력한 공범으로 나렌을 의심하며 그를 찾아 나섰는데. 10 तारीख के उसके कहीं और होने के सबूत पक्के हैं। 10 तारीख को तू कहाँ था? 10 तारीख को पूरा दिन घर पर। वही गलती मैं भी कर रहा था। मेरी मिसेज डिस। प्रेमा बता रही थी कि तू सिर्फ उसके लिए जाता टिफिन। यार ऐसी हॉट पड़ोसन होती तो मैं भी जाता। टीचर, समझ में नहीं आ रहा है। पहले पुलिस ने कहा उन्हें मुझ पे शक नहीं है, फिर आपके बारे में पूछने लगे। मेरे स्टाफ ने बताया कि आप टिफिन सिर्फ मेरे लिए आते हैं। मैंने भी उन्हें कितनी बार बताया कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। 그녀의 확고한 마음을 알게 되자 내심 실망한 모습을 보이는 남자. 비차해 कुछ भी हो जाए आप और तारा इस सब से बाहर रहेंगी। 알 수 없는 말과 함께 집에 돌아온 그는 고심에 빠지게 되고 이내 오열을 하게 됩니다. 다음 날 두수자에 대한 자신의 마음을 편지에 담아 몰래 그녀에게 전달하며 서둘러 어디론가 향하는데요. 나렌의 폭로로 긴급 체포된 두수자. और हीटर के लोहे वाले सिरे से तार को गले पे लपेट के पीछे से कस दिया, फिर कासलेट डाल के पूरा जला दिया। तो मिसेस डिसूजा ने तुमको अजीत को मारने के लिए कब कहा? वो मुझे छुप के सब बताते, वो दीवार के छेद से कान लगा के सुनता था। ए संभाल के कान पर पड़ गए। पर अचानक हमें ये सब बताने क्यों आ गए? क्योंकि उसने धोखा दिया मुझे। धोखा दिया? मैंने देखा था तुम दोनों को गैरों के बारे में। टीचर मुझे पसंद करता है। मेकअप मत लगाया कीजिए, ज्यादा सुंदर लगती हैं। सर, ये भी मिला है। मर्डर इसी से हुआ है। 결국 나렌의 거짓 자백으로 두수자는 용의 선상에서 벗어나게 되며 마침내 자유의 몸이 된 여자의 모습과 함께 이렇게 영화는 끝이 납니다. 왜서 क्यों कर रहे? के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं। आपको याद है जब आप पहली बार मेरे घर आई? हेलो, मेरा नाम माया डिसूजा है। आप यहां किसी प्लंबर को जानते हैं? मैं अपने आप को फांसी लगाने जा रहा था। क्यों? पहले प्यार मैथमेटिक्स के लिए। एक सवाल था जिसका हल मैं 10 साल से खोजने की कोशिश कर रहा था, और जब मैंने उसे सॉल्व किया 46 घंटे पहले किसी और ने कर लिया। मुझे लगा जिंदगी वहीं खत्म हो गई, और तभी आपने दरवाजा खटखटाया। मैं आपसे रोज मिली हूं। नहीं, एक और सवाल है जिसे सॉल्व करने में मुझे कम से कम 15 साल लगेंगे। पूरा समय मुझे मैथमेटिक्स के साथ रहने दीजिए। थैंक यू।